तो मैं मुस्लिम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब के लिए दरख्वास्त करता हूँ, मौलवी साहब से गौर फरमाइएगा, हमारे इस शहर के इस मुल्क के उमर शरीफ साहब के लिए दुआ फरमाइएगा, हमारे सेक्रेटरी थे इस असम्बली के जो कि मौजूदा सेक्रेटरी के वालिद साहब हैं हादी बख्श बरोड़ा साहब के लिए दुआ फरमाइएगा, हमारे साथी हमारे कराची के सदर खुर्रम शेर जमान साहब की वालदा साहिबा के लिए दुआ, शर्मिला फारूकी साहिबा के वालिद मोहतरम के लिए फातिहा दुआ, इनान दस्तगीर साहिबा के वालदा के लिए दुआ, हमारे पार्टी के सीनियर रुकन थे अताउल्ला ख़ान साहब और हमारे ज़िला बदीन के साबिका सदर अब्दुल्ला ख़ान साहब की डेथ हुई उनके लिए दुआ, मेरान टाउन फैक्ट्री में काफ़ी सारे बेगुनाह चारे जान से गए उनके लिए दुआ, सादिकाबाद में इंडियन गेट गेंग के हाथों इंडियन फैमिली के 9 लोग बेचारे शहीद किए गए मासूम लोग उनके लिए दुआ, और उसके बाद दो रोज़ कबल गुजर नाला पे एक खातून थी जकिया बीबी जिनके शौहर बीमार थे, वो कह रही थी कि हमारा घर तो टूट चुका है ना तोड़ो, वो शख्स को अस्पताल लेकर गई और उसके पीछे घर को तोड़ दिया गया, तो जकिया शाहिद ने वीडियो भी उसने दी पहले, लेकिन एक बेचारी इसी सदमे में जकिया शाहिद साहिबा इंतकाल कर गई उनके लिए दुआ, और फहमीदा सयाल एक बेटी जिसके लिए मैं खुद वहाँ गया था और उनके लिए दुआ होनी चाहिए मौलवी साहब, और उसका जो तकलीफ दे पहलू ये है कि वो कुरान शरीफ को लेकर सीने पर आई थी, और अफसोस कि खून के छींटे हमारे असम्बली तक आ रहे हैं, अफसोस कि वहाँ जो गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई पुलिस इस्तेमाल हुई वो सरकारी थे, और कुरान शरीफ को भी शहीद कर दिया गया। मैं खुद गया हूँ, मैं खुद होकर आया हूँ, फहमीदा सयाल आई हमारी बेटी, पहले उसके घर वालों को उठा के बंद कर दिया गया, फिर कुरान शरीफ लाई उसको शहीद किया गया, घर के अंदर घुस के शहीद आ गया, और उसके बाद जिसने वीडियो बनाई उसको भी अगवा कर लिया गया हसन सयाल को, और अफसोस कि चलो पेट्रोल नहीं था, साइकिल ही चले जाते, रोक लेते वहाँ जाकर, उनके बड़े यहाँ मौजूद थे, साइकिल चले जाते, और मैं कहना चाहता हूँ मैं वेलकम करता हूँ, सब ने दुआ की, सब ने दुआ की, काश जिस दिन नाज़िम जोखियों की लाश 6 घंटे जिना अस्पताल के मुर्दा खाने में पड़ी थी, जो दुआ के लिए हाथ उठ रहे हैं कोई चला जाता, ये गया शेर राजा सा अजहर MPA, 6 घंटे एक लाश मुर्दा खाने में पड़ी थी, किसी की तौफीक नहीं हुई, आज भी सबसे पहले जिन साहब ने दुआ कराई है उनकी तो बरादरी का था, मैं मैडम स्पीकर मैं गया मुर्दा खाने में, सुनिए मैंने वो लाश देखी अपनी आंखों से, मेरी सुनिए ना आजिम जो सुने, मैंने अपनी आंखों से लाश देखी, सर से लेके पांव तक कोई जिस्म का हिस्सा नहीं था जिसको मारा गया, आज सब दुआएं करा रहे हैं, चले जाते थाने चले जाते, वहां भी राजा सर गए, मैं कहना चाहता हूं इतना बड़ा जुल्म भारतीय, और अफसोस कि ये दोनों कत्ल के छींटे हमारी असेंबली तक आ रहे हैं, आज दुआ करा रहे हैं, उस दिन कहां चले गए थे, कहां मरे थे आप सब लोग, दुआ कराने से पहले जाके FIR कटवाते उसकी, पोस्टमार्टम कराते, मैडम आई थिंक आप दुआ करवाइए, यहां स्पीच नहीं होगी, ठीक है, क्लियर बात है, अगर जिसने कुरान शरीफ को शहीद किया तो फिर बहुत स्पीचेस होंगी, सब गांव में स्पीचेस कराएंगे, आई थिंक मुनासिब बात नहीं है, आप दुआ करवाइए तो ये बेहतर है, दुआ की बात वहां पर है तो अच्छी बात है, आप तकरीर ना करें उस पर, जो अगर दुआ के लिए किया जाए आप दुआ करवाए, तकरीर ना करवाए, ऐसे तो फिर जो लाहौर में जो हुआ है, जो चार पुलिस वाले मारे गए, फेडरल गवर्नमेंट किधर थी, उनके लिए भी दुआ करवाएं, इनके बारे में भी बात करवाएं, इम्तियाज शेख साहब मैं दुआ करवाऊंगा हमारी पार्टी की, जिला शिकारपुर की, बस ये लास्ट है, दुआ करवा लेते हैं, बस ये लास्ट है, मैं शिकारपुर की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जिला सदर ग्रीज विंग की मोहतरमा राना भुट्टो की वफात हुई है कुछ दिन पहले, उनके लिए दुआ करूँ जी इमदाद साहब। मैडम स्पीकर, सबसे पहले मैं डॉक्टर कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान उसके लिए दुआ, हमारे स्पीकर साबिक स्पीकर बुरो साहब सेक्रेटरी असेंबली उसके लिए दुआ,
हमारे पार्टी के वर्कर नाजिम रुखियो साहब, उसके लिए दुआ। अदी फहमीदा सयाल साहिबा के लिए दुआ, और मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि इस वक्त एक तंजीम के एहतजाज के दौरान रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम आठ सिपाहियों को शहीद किया गया जो मुसलमान थे, जिनके नाम या गुलाम रसूल थे या अबू बकर था, सब मुसलमान थे। तो उस पे हमारी रियासत मना के दावेदारों के सर पे जू नहीं रहेंगी, और उनके साथ सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया, और एक बंदा जो उनका कौमी आपस के झगड़े उस पे बड़ी बड़ी बातें करना, ये बड़ी शर्म की बात है। ये जहां इनके अपने मफाद होते हैं वहां ये पांव पकड़ लेते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में ये वजीर आजम साहब को कहा गया कि आप तहरीके तलबान पाकिस्तान के सामने फिर सरेंडर करना चाह रहे। इनको तो उन पब्लिक स्कूल के सौदा पे शर्म नहीं आया, ये तालिबान के पांव पड़ने के लिए तैयार है। और एक कबाइली झगड़े में, एक कबाइली इशू में इतना शोर मचाना, अगर गैरत थी आपको, अगर आपको गैरत थी तो आपने सबने वीडियो देखी, पुलिस वाले लाओ ले आने, जिनके दो दो साल के बच्चे, जिनके आठ आठ साल की बेटी आई, उन पे तो आपको शर्म और गैरत नहीं आई। वो भी आप लेके आते जिनके साथ आपने मुआहिदा किया है, जिनके आपने पांव पकड़े, 15 दिन तक पूरा पंजाब बंद था। मुझे अफसोस है नाजिम का, मगर अफसोस इनकी नाइली पे है, इनकी नाइली पे अफसोस है कि इन पे उन आठ सिपाहियों का खून, इनको खून नजर नहीं आता। तो मेहरबानी करें, इस तरह की बातें ना करें। इस तरह की बातें अगर आप करेंगे तो फिर बातें हमारी तरफ से भी आएंगी। तो मैं कहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी थी, सबसे पहले आप पंजाब में जो पुलिस के साथ हुआ, आप तो रियासत मदीना के नाम लेते थे, आप तो रियासत मदीना, आप तो कहते थे एक कुत्ता मर जाए भूखा, यहाँ तो लोग लाठू से और बंदूकों से मारे गए, और हम सब ने वो देखा। वहां तो शेख साहब को गैरत भी नहीं आई कि वहां उनके लिए फाता करवाते था। इनमें से कोई उठ खड़ा नहीं हुआ। हमारा सिद्दीकी साहब कहता है कि हाथ के फाता करवा रहे, नहीं, हम बड़ी दर्द के साथ, बड़े दुख के साथ फाता करवा रहे, पर आप में इतनी हिम्मत और गैरत नहीं थी कि उनका नाम ले लेते, कि वो आठ लोग भी शहीद हुए और बहुत से पुलिस वाले जख्मी हुए। मैं डॉक्टर वाले जी, फारी साहब।